वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है ना कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे को वहीं पर स्कूल में ही पेपर को सॉल्व करना पड़ता है और बहुत सारे बच्चों को घर लाने के लिए पेपर दे दिया गया है कि लीजिए पेपर, आप अपने कॉपी में लिख करके और जमा कीजिएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चे इसका 100% एकदम एक्यूरेट आंसर की तलाश कर रहे हैं कि कहीं पर भी यदि 100% सही आंसर मिलता है तो हम लिख करके और परीक्षा में बेहतरीन नंबर ला सकें। तो फाइनली मिडिल एजुकेशन आपके सामने कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के एक एक प्रश्न का संपूर्ण उत्तर लेकर के आ चुका है। आपको 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी से मिडिल एजुकेशन की एक ही वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण उत्तर मिलेगा। मुझे पता है बहुत सारे YouTube चैनल में 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। देखो यहाँ पर अवेलेबल है केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, मतलब ये अभ्यास के लिए दिया गया है आपके एग्जाम के पहले, इसे आप प्री बोर्ड के नाम से भी कह सकते हो। टोटल 75 नंबर का पेपर रहेगा, समय मिलेंगे 3 घंटे। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं और मैं हमेशा कहता हूँ इंस्ट्रक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए निर्देश को ध्यान से पढ़ा करिए। तो निर्देश को आप देख सकते हैं। आगे यहां से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, तो चलिए फटाफट एक एक प्रश्न के उत्तर को कवर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो जो हिंदुस्तान है वो आपके एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 में टिक करना है। सेकंड नंबर कहता है भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक वनस्पति पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं हिमालय, मध्य भारत, मरुस्थल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपको हिमालय पे टिक करना है। हिमालय पर जो वनस्पति होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि भारत के पड़ोसी देश में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। जनसंख्या घनत्व मतलब कहां के लोग सबसे अधिक पास पास निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहां पर द बांग्लादेश इस करेक्ट आंसर। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान। नेक्स्ट कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1889 में, अर्थात ऑप्शन नंबर 1789 में, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 में टिक करना है। नेक्स्ट द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था किससे था, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 2 समाजवाद इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता है नेक्स्ट, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा, तो यहां पर कई सारे ऑप्शन है जैसे इटली, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी पे टिक करना है। इस प्रकार के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गए। टेंशन नहीं लेना है, एक एक प्रश्न का लिखित आंसर मिलेगा और यही पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो एक नजर में दिखा सकता हूं, मेरे पास पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर आपके सामने मैं रख दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पहला नंबर कहता है कि जुकाम और खांसी की दवा के लिए डैश पादप का उपयोग किया जाता है। तो जुकाम और खांसी की दवा के लिए पिपली पादप का यूज किया जाता है, तो आपको सिंपल सा यहां पर पिपली लिख देना है। नेक्स्ट कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी, तो यहां पर आपको 67% लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट डैश रचना है, ये किसकी रचना है, तो यहां पर आपको लिखना है रूसो की रचना है। क्या लिखेंगे, रूसो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए डैश जिम्मेदार ठहराया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए आर्चियार्ड यूको फर्डनिस को ठहराया गया था। लिखित दिखा दूंगा, टेंशन मत लो कैसे लिखते हैं, ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी नाम है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वन सेवा की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी, तो 1966 में की गई थी। नेक्स्ट कहता है मसाई शब्द का शाब्दिक डैश अर्थ है, तो नीलो
जनजाति, नीलोत जनजाति, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब हमारा कह रहा है सत्य और असत्य बताइए। सत्य असत्य में पहला नंबर कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, नाजीवाद यहूदी विरोधी था, बिल्कुल सत्य है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ था, नहीं गलत है, 1950 में स्वतंत्र नहीं हुआ था, ये 1947 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से पूरा पूरा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, हमारा कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा सही आंसर। दोआब किसे कहते हैं? तो दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं, तो यह सामने आंसर मैच करना है। फूलों की व्यवहार तो कहवा कहलाता है, तो ये सामने इसका आंसर है। भारत का संविधान कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, तो सामने आंसर दिया गया है। धारा क्या होता है? तो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होता है, तो ये सामने दिया गया है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो M.S. स्वामीनाथन है, तो इसका भी आंसर सामने दिया गया है। और निर्धनता रेखा का मापन तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा, तो इसका भी आंसर सामने दिया गया है। तो इस प्रकार इन सभी का आंसर आमने सामने दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है? तो सिंपल सा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तथा समताप मंडल की निचली सीमा में तेजी से विसर्पण करने वाले वायु जो सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। मतलब सिंपल सा आप लिख दो कि ऐसी जलवायु जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। बाकी लिखित दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, तो यहां पर आर्टिकल 17 लिखना है। नेक्स्ट, निर्धनता से क्या है? निर्धनता मतलब होता है गरीबी, तो सिंपल सा आप लिख देंगे निर्धनता अर्थात गरीबी। नेक्स्ट, मनरेगा का क्या उद्देश्य है? तो एक वित्त वर्ष में कम से कम, एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना, ये कहलाता है मनरेगा। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बफर स्टॉक वो नहीं कह रहे यार बफर सिस्टम चालू है चलो खाना खान चलते हैं, नहीं। बफर स्टॉक मतलब होता है फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम ना हो, इसे कहते हैं बफर स्टॉक। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनका 100% लिखित आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा बेटा आपके सामने प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर, तो आप इसका भी फोटो खींच लो। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर, तो इसका फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर, तो इसका फोटो खींचिए। नेक्स्ट कहता है ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक पांच का उत्तर, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक, अच्छा यहां पर यदि सही से फोटो नहीं क्लिक कर पा रहे हो तो यहां से देख लो, और यदि यहां से भी नहीं देख पा रहे हो तो सिंपल सा आपको PDF का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा भाई यहां का, तो ले ही लो एक से लेकर के तीन तक, और ये रहा आपका चार और पांच। चलिए अब आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं और हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक छह से आगे का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारा छठवां नंबर कह रहा है हिमालय की तीन प्रमुख विभागों तथा उसके उत्तर से दक्षिण के क्रम को बताइए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहा आपका आंसर, ये आंसर आपको लिखना है जो कि 100% सही और एक्यूरेट है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है अर्थों में अरावली वाला, तो हमें एक कवर करना है। सातवां नंबर देखो, नमामि गंगे परियोजना क्या है? और अर्थों कहता है कि नमामि देवी नर्मदे, ठीक ये वाला प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहा आपके सामने बेटा प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर, यही आंसर लिख करके आना, 100% सही और जेन्युइन आंसर है, इससे बेहतरीन आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं आठवां नंबर, चक्रवात प्रभावित राज्य का नाम लिखो कोई दो, तो इसका आंसर हम आपको दिखाएंगे आपके अपने क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन बैंक की सहायता से हम आंसर प्रिंट कर देते हैं। जस्ट अवेट, मैं ओपन कर लेता हूं, इसका आंसर आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 10 में। तो ये रहा भाई साहब चक्रवात पूछा है ना, एक सेकंड प्रश्न क्या पूछा है आपका, चक्रवात और चक्रवात प्रभावित, ऐसा प्रश्न पूछा है, चक्रवात प्रभावित राज्यों का नाम लिखो, ऐसा कौन कौन सा राज्य है जो चक्रवात से प्रभावित हुआ है। तो ये रहा आपके सामने, ये देखिए चक्रवात प्रभावित राज्य, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साइड करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, जेट पवनी, तो इसको हम स्किप करते हैं। नवा नंबर कहता है कि मृत्यु दर किसे कहते हैं? और अथवा कहता है प्रवास जनसंख्या
किस प्रकार प्रभावित करता है। तो मृत्यु दर के बारे में पूछा है, तो आइए हम दिखा देते हैं आपको मृत्यु दर। सिंपल से मृत्यु दर का मतलब होता है एक वर्ष में कितने बच्चों की मृत्यु हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसे कहते हैं मृत्यु दर। ठीक, तो ये रहा आपके सामने। देखो, एक वर्ष में 1000 जीवित शिशुओं में से कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, ये मृत्यु दर कहलाता है। आगे बढ़ती है दसवां नंबर, वन विनाश किसे कहते हैं। वन विनाश और अथवा कहता है स्लीपर से क्या तात्पर्य है। तो वन विनाश मतलब होता है सिंपल से जंगल को काटना, यही कहलाता है वन विनाश। एंड ये रहा इसका आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा वन विनाश किसे कहते हैं। ठीक, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर कहता है बंजारा समुदाय कहां रहते हैं, और अथवा कहता है प्रतिभूमि नियमावली के महत्वपूर्ण बातें को बताना है। तो बंजारा समुदाय के बारे में पूछा है, तो हम बंजारा का आंसर देखेंगे। ये रहा आपके सामने आंसर, ये देखिए बंजारा समुदाय। ठीक, नीचे बंजारा के नीचे गद्दी लिखा, तो गद्दी नहीं केवल आपको बंजारा लिखना है। साइड करते हैं, नेक्स्ट कहता है 12 नंबर। 12 नंबर कहता है संविधान सभा क्या है, लिखिए। और इसके अर्थ कहता है कि संघीय सरकार किसे कहते हैं। तो हम आपके सामने संविधान सभा क्या है ये चीज बता देते हैं। ठीक है, संविधान सभा आप लिख देना। ये रहा बेटा संविधान क्या है। ठीक, और ऊपर लिखा है आप देख सकते हैं संविधान क्या है, उसे कहते हैं संविधान सभा। और ऊपर लिखा है संविधान सभा 4 सदस्य का नाम, तो हमें सदस्य का नाम नहीं लिखना बल्कि संविधान क्या है ये लिखना है। साइड करते हैं, नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, आम चुनाव क्या होता है, लिखिए। और अथवा कहता है कि उपचुनाव क्या है, तो हम आपके सामने दिखाएंगे आम चुनाव क्या है। ये रहा इसका आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड करते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 14, धर्म निरपेक्ष राज्य क्या है, लिखिए। और अथवा कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, लिखिए। तो हम आपके सामने धर्म निरपेक्ष दिखाते हैं, ये रहा आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। साइड करते हैं, नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, छोटे किसान किसे कहते हैं। और अथवा कहता है मंझले और बड़े किसान किसे कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा ना भाई, क्या ही बोले, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में नहीं आएगा। ये जो आपका सेट नंबर ए है ना, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन फालतू दिए गए हैं, लेकिन जो आपका सेट नंबर बी है वहां पर बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक, तो ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन देख लो भाई अभी दिया तो लिखना पड़ेगा। ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट कहता है 16 नंबर, निर्धनता रेखा से क्या आशय है। और अथवा कहता है कि भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्य बताना है। ये रहा आपके सामने निर्धनता। ठीक, ये आंसर आपको ऊपर वाला लिखना है। अच्छा, यदि गरीब क्या बोला है, गरीब जनसंख्या वाले राज्य का नाम बोलूं तो झारखंड बिहार और उड़ीसा आपको लिखना है। नेक्स्ट 17 नंबर, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। और अथवा कहता है बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन से लोग प्रभावित हुए थे। तो ये रहा आपके सामने 17 नंबर का उत्तर, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 कह रहा है कि लघु उत्तरी प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपको 3 नंबर के देखने को मिलेगा। 18 नंबर का पहला वाला कह रहा है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। अथवा कहता है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ बताइए। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है कि बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 2 परिवर्तन लिखना है। ये रहा आपके सामने 2 परिवर्तन, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके आगे का और आंसर अवेलेबल है, लेटेस्ट अपडेट मैं दिखा देता हूं प्रश्न क्रमांक 19 का, ये आगे का आंसर है। ठीक, तो आपको ये भी लिखना है, चलिए बाकी कुछ नहीं है। 20 नंबर कहता है कि लोकतंत्र के 3 मूल्य को बताइए जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है। तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय, बस ये लिखना है। ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट लिखना है बस, आपसे 3 बिंदु पूछे, 3 बिंदु लिख के कंप्लीट कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 21, हमें कह रहा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, महानदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। मैं आपको अभी मैप भर के आपके सामने दिखा दूंगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22 कह रहा है संवैधानिक अध्यक्ष से क्या आशय है, समझाइए। अथवा कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम के तहत है, समझाइए। तो हम आपको दिखाएंगे नीचे वाला कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल है 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, अभी 21 नंबर का आंसर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। हमारा 23 नंबर कह रहा है कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं का एग्जाम्पल देकर के समझाना है। और यहीं पर कह रहा है अथवा में
प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन सी आर्थिक क्रिया संचालित होती है। तो ये रहा बेटा आपके सामने आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न क्रमांक 23 का। ठीक है, इस प्रकार से पूरा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। हम आपके सामने प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर अभी मैप भर के दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स 21 का उत्तर देखने से पहले मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर के अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से पूछ सकते हैं। मेरे से बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर तगड़ी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मिडिल एजुकेशन त्रैमासिक में अर्धवार्षिक में टॉप कराया है बच्चों को। अगर आप नए हो तो, पुराने हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है, लेकिन नए हो तो मैं बता देता हूं, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में टॉप कराया है, आपको फिर से टॉप कराएगा, इसीलिए आप मेरे से जुड़ जाइए। टोटल फ्री में कंटेंट लेता हूं, कभी एक रुपए नहीं लेता हूं। यकीन करो, बढ़िया पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, और वार्षिक परीक्षा के लिए टॉपर सीरीज भी चलाया हूं, वहां से भी आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं मैप कैसे भरते हैं, फिर हम करते हैं वीडियो को एंड। आपके सामने हिंदुस्तान का मैप, हिंदुस्तान के मैप में हम प्रश्न क्रमांक 21 के ऊपर वाला आंसर कवर करेंगे। ठीक है, देख लो, सबसे पहले बोला महानदी कहां है, तो महानदी आप देख पा रहे होगे, ये देखो ये भुवनेश्वर के ऊपर महानदी निकल रही है। मैं उठा देता हूं थोड़ी अपने बुक को, ये देखिए महानदी दिख रही है भुवनेश्वर के ऊपर, देखो महानदी, बस ये रहा आपका महानदी। ठीक, तो यहां पे आपको महानदी निकाल देना है। नेक्स्ट आपका कहता है कृष्णा नदी, क्या कहता है, कृष्णा नदी। ठीक, आइए कृष्णा नदी दिखाते हैं, ये रहा देखो अमरावती दिख रहा है, अमरावती, हैदराबाद दिख रहा है, हैदराबाद के नीचे देखो कृष्णा नदी दिखा नीले कलर से, ये रहा आपका कृष्णा नदी। कुछ इस प्रकार से आपको कृष्णा नदी दिखा देना, ध्यान से देख लो। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र दिखाते हैं, ये देखो इसमें नहीं जाना पड़ेगा, इधर दक्षिण भारत में, ठीक, सॉरी पूरी भारत में, और ये देखो ये लिखा ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार से आपको ब्रह्मपुत्र नदी लिख देना है। चलिए आगे देख लेते हैं, अंतिम है आपका नर्मदा नदी, आइए नर्मदा भी दिखा देते हैं। तो ये उठाया हमने मैप और देखो इसके बीचों बीच नर्मदा नदी निकला, ये ताप्ती दिख रहा है, ताप्ती किधर, नर्मदा, ये नर्मदा नदी दिखा देना है। तो इस प्रकार से पूरा पूरा कंप्लीट होता है। बस स्टूडेंट्स वीडियो पसंद है दिल से लाइक कीजिए, चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए, मैं करता हूँ वीडियो के एंड, जल्दी मिलेंगे सेट नंबर 2 के साथ, बाय बाय।